हालांकि पीएम के संबोधन के बाद विपक्ष ने वार भी किया। विपक्ष ने 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त टीका लगवाने को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिया गया फैसला बताया। सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से वैक्सीनेशन शुरू किए और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लोगों ने भी कहा, तब जाके केंद्र सरकार की नींद खुली है और अब जाके फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जिस तरह से राज्यों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, राज्य लगातार कह रहे थे कि पैसे ले लो, वैक्सीन दे दो, दे नहीं पाए। और सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया कि आपने 35,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में पार्लियामेंट से मंजूरी ली, तो पैसे कितने खर्च हुए। लेकिन टीके को लेके हर दिन नई नीति, हर दिन नीतियों में बदलाव, हमें लगता है इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती जो भी निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। मोदी जी ने समझा कि मोदी जी को खिलाफ बहुत चर्चा हो रहा है, वैक्सीन पॉलिसी मोदी जी का पूरा नाकाम था, लोग नाराज हो रहे थे, तो मोदी अपना पोजिशन रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं, करना ही चाहिए, कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव को मुकाबला करने के लिए पॉलिसी दिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार की नीति को असफल बताया। उन्होंने कहा कि पीएम के मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के दबाव का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ अपना वक्त खराब किया बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा, इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर ये ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है।